तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम है क्या चीज़? जैसा कि आप इस ब्लॉक डायग्राम में देख रहे हैं, इसमें एक पावर सोर्स है जो कंट्रोल इक्विपमेंट को दिया जा रहा है, और यह हमारे मोटर से जुड़ा हुआ है, और मोटर हमारा मैकेनिकल कपलिंग से जुड़ा हुआ है, जिसके जो एक लोड से कनेक्टेड है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा कंट्रोल इक्विपमेंट, मोटर, मैकेनिकल कपलिंग, ये तीनों जो हमारे होते हैं, ये हमारे इलेक्ट्रिक ड्राइव होते हैं। और इस पूरे बॉक्स में यदि हम लोड को कनेक्ट कर देते हैं, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे एन इलेक्ट्रिक मोटर टुगेदर विद द कंट्रोल इक्विपमेंट एंड एनर्जी ट्रांसमिटिंग मैकेनिज्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक ड्राइव। ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक मोटर को कंट्रोल इक्विपमेंट और एनर्जी ट्रांसमिटिंग मैकेनिज्म के साथ हो, उसे इलेक्ट्रिक ड्राइव कहते हैं। द कम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव एंड लोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम। जो इलेक्ट्रिक ड्राइव और लोड का कम्बिनेशन को इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम कहते हैं। उदाहरणतः, जैसे कि ए सीलिंग फैन मोटर विद इट्स स्पीड रेगुलेटर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक ड्राइव। जैसे कि सीलिंग फैन जो मोटर के साथ स्पीड रेगुलेटर अगर जुड़ा है, तो उसे इलेक्ट्रिक ड्राइव कहते हैं। और ऑन द अदर हैंड, सीलिंग फैन मोटर विद द इट्स स्पीड रेगुलेटर एंड आल्सो विद ब्लेड्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम। यदि दूसरे तरह से सीलिंग फैन मोटर के साथ यदि स्पीड रेगुलेटर और ब्लेड को लगा देते हैं, तो उसे इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम कहते हैं। तो अब समझ गए होंगे इलेक्ट्रिक ड्राइव और इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में दोनों में डिफरेंट क्या होते हैं। जैसे कि ये है हमारा ब्लॉक डायग्राम, इसमें क्या है कि ये हमारा, जैसे मान लीजिए कि सेलिंग फैन का ये ब्लॉक डायग्राम है। सेलिंग फैन में क्या होता है कि ये मोटर होती है, और ये कंट्रोल इक्विपमेंट यानी ये रेगुलेटर है, ठीक है, और ये मैकेनिकल कपलिंग, ये शाफ्ट होती है। ये रेगुलेटर और मोटर का कम्बिनेशन जो होता है हमारा, ये इलेक्ट्रिक ड्राइव होता है। और इसमें यदि हम लोड को ऐड कर देते हैं यहाँ पे, यदि हमने लोड को ऐड कर दिया है, इस लोड को मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर, तो लोड यानी कि फैन, यानी उसके जो पंखुड़ी होती है, ब्लेड जो होती है ना सीलिंग फैन की, यदि ब्लेड को हमने लगा दिया, तो ये हमारे टोटल इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम हो जाता है। ये इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम का काम करने लगता है, ठीक है। अब देखते हैं, इलेक्ट्रिक ड्राइव आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। जो इलेक्ट्रिक ड्राइव होते हैं वो मुख्य तरह से दो टाइप के होते हैं, एक डीसी ड्राइव होता है और एक एसी ड्राइव होता है। इसमें से हम यहाँ पे डीसी ड्राइव के बारे में डिस्कस करते हैं, देखते हैं डीसी ड्राइव क्या होती है। बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ थायरिस्टर, अदर मेथड्स वेयर यूज फॉर द स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। यानी कि जब थायरिस्टर का डेवलपमेंट, यानी कि थायरिस्टर का जब विकास नहीं हुआ था, उससे पहले हम डीसी मोटर के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए कुछ अन्य मेथड का यूज करते थे। द सिंपलेस्ट ऑफ देम वाज स्पीड कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ द सीरीज रेजिस्टेंस इन द आर्मेचर सर्किट और इन द फील्ड सर्किट। सामान्यतः फील्ड सर्किट में या आर्मेचर सर्किट में सीरीज रेजिस्टेंस की सहायता से स्पीड कंट्रोल करते थे। द अदर सिस्टम नो एज द वार्ड लोनार्ड सिस्टम, उस अदर सिस्टम को हम वार्ड लोनार्ड सिस्टम के नाम से जानते थे, जिसका प्रयोग हम करते थे। इन दिस सिस्टम एसी मोटर इज यूज्ड टू रन ए डीसी जनरेटर। इस सिस्टम में क्या होता है कि वार्ड लोनार्ड जो सिस्टम होता है, उसमें क्या होता है कि रन ए डीसी जनरेटर, द फील्ड ऑफ डीसी जनरेटर इज गिवन वेरिएबल डीसी सप्लाई विच कंट्रोल्स द आउटपुट ऑफ डीसी जनरेटर। द डीसी मोटर हुज स्पीड
इज टू बी कंट्रोल्ड इज कनेक्टेड टू द आउटपुट ऑफ डीसी जनरेटर। ये कह रहा है कि सामान्यतः फील्ड सर्किट में या आर्मेचर सर्किट में सीरीज रेजिस्टेंस की सहायता से इसके स्पीड को कंट्रोल करते हैं, और जो अन्य सिस्टम जिसको हम वार्ड लोनार्ड सिस्टम के नाम से जानते थे, इस सिस्टम में हम एसी मोटर का प्रयोग एक डीसी जनरेटर के लिए करते हैं, और डीसी जनरेटर के फील्ड को वेरिएबल डीसी सप्लाई देते हैं जो कि डीसी जनरेटर के आउटपुट को कंट्रोल करता है, जो डीसी जनरेटर की जो आउटपुट होती है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, ये जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह हमारा मोटर है जिसको हम एसी सप्लाई यहाँ से दी जा रही है, और यह जनरेटर है, इसका जो फील्ड वाइंडिंग है उसको हम एक वेरिएबल डीसी सप्लाई दिया गया है, और ये जो डीसी सप्लाई है ये जो चेंज करती रहती है, ये क्या करती है कि इस जनरेटर की जो आउटपुट होती है जो इस यहाँ पे और यहाँ पर मिलती है, इन दोनों टर्मिनल को जो आउटपुट मिलती है उसको यह कंट्रोल करता है, और इसके कंट्रोल होने से जो हमारा आर्मेचर होता है ये कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ हम यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है जिसको मैंने अभी पढ़ा। अब हम देखते हैं द डीसी मोटर आर कंट्रोल्ड बाय द यूज ऑफ मेनली कन्वेंशनल मेथड। जो डीसी मोटर को जो हम कंट्रोल करने के लिए मेनी कन्वेंशनल मेथड का प्रयोग करते हैं, मतलब कुछ कन्वेंशनल मेथड होते हैं जिसको हम यूज करते हैं, वो कुछ इस प्रकार, आर्मेचर कंट्रोल वोल्टेज कंट्रोल और आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल जिसको हम वार्ड लोनार्ड सिस्टम कहते हैं, और एक होता है फील्ड कंट्रोल। ठीक है, तो इसमें सब हम देखते हैं। सबसे पहले आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड क्या होता है, आर्मेचर कंट्रोल मेथड ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आर्मेचर कंट्रोल मेथड। ठीक है, यहाँ पर हमारा आर्मेचर कंट्रोल मेथड का ये सर्किट बना हुआ है जिसमें से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एसी सप्लाई दी गई है, एक एसी सप्लाई दी जा रही है जो रैंप सर्किट से कनेक्टेड है, और रैंप सर्किट जो होता है कंपैरेटर से कनेक्ट है, और कंपैरेटर एरर एम्पलीफायर से, उसके बाद एक फेज कंट्रोल सर्किट लगा हुआ है, उसके बाद थायरिस्टर ब्रिज है, उसके बाद ये आर्मेचर है, और यहाँ पर ये जो कंस्टेंट डीसी फील्ड वाइंडिंग की गई है जिसको है कंस्टेंट डीसी सप्लाई दी गई हुई है, और ये टेको जनरेटर से कनेक्टेड है, और टेको जनरेटर का जो आउटपुट होता है यह फीडबैक के रूप में, यहाँ पे फीडबैक के रूप में हमारा कंपैरेटर को चला जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब इसी के बारे में हम देखते हैं एक एक चीज के बारे में। द ब्लॉक डायग्राम ऑफ दिस मेथड इज शो इन फिगर 4.5 इन दिस स्कीम। द फील्ड ऑफ द मोटर इज एक्साइटेड बाई ए कॉन्स्टेंट डीसी सोर्स एंड द आर्मेचर वोल्टेज इज चेंज टू गेट वेरिएबल डीसी वेरिएबल मोटर स्पीड्स। इट इज नॉर्मली यूज फॉर द डीसी सेपरेटली एक्साइटेड एंड शंट मोटर्स। द वेरियस यूनिट्स ऑफ दिस क्लोज लूप सिस्टम आर एज द फॉलो। ये कह रहा है कि जो आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड है, इस मेथड का जो ब्लॉक डायग्राम दिया गया है, जो अभी मैंने यहाँ पर बताया, ये ब्लॉक डायग्राम है, इस सिस्टम में जो कंस्टेंट डीसी सोर्स के द्वारा मोटर की फील्ड एक्साइटेड हो जाती है, और आर्मेचर वोल्टेज के चेंज होती है, और मोटर स्पीड बदल जाती है, मतलब कि आर्मेचर वोल्टेज के चेंज होने से जो मोटर की स्पीड होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं रेफरेंस वोल्टेज क्या होती है। रेफरेंस वोल्टेज क्या होता है कि इट इज आल्सो नो एज स्पीड कंट्रोल फॉर द पर्टिकुलर स्पीड। वन वैल्यू ऑफ रेफरेंस वोल्टेज इज सेट विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल मीटर सेटिंग। दिस डीसी रेफरेंस वोल्टेज कंटिन्यूसली कंपेयर्ड विद द फीडबैक सिग्नल विच इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। रेफरेंस वोल्टेज में क्या होता है कि इसे हम स्पीड कंट्रोल के नाम से जानते हैं, किसी एक पर्टिकुलर स्पीड पे पोटेंशियल मीटर सेटिंग की सहायता से एक रेफरेंस वोल्टेज के वैल्यू को सेट करते हैं, और यह रेफरेंस वोल्टेज को फीडबैक सिग्नल के साथ
लगातार कंपेयर करते रहते हैं जो कि स्पीड के समानुपाती होती है। ठीक है, अब ये है आपका रैंप सर्किट। देखते हैं ये मैंने अब ये रैंप सर्किट देखते हैं। रैंप सर्किट क्या होता है? रैंप सर्किट में क्या है, दिस हेल्प्स द मोटर टू एवॉइड जर्की मोशन एंड रिजल्ट्स इन ए स्मूथ ऑपरेशन व्हेन रेफरेंस वोल्टेज इज चेंज्ड। रैंप सर्किट कह रहा है कि रैंप सर्किट मतलब जैसे आपने पिछले सिलेबसों में आपने रैंप वेव फॉर्म के बारे में पढ़ा होगा, जो सार्टूथ से ट्रेंगुलर वेव फॉर्म से सार्टूथ में या रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म में चेंज करता है रैंप सर्किट के, वो उसका यही वही चीज़ है। यहाँ पर रैंप सर्किट के रूप में काम कर रहा है। ये कह रहा है रैंप सर्किट कि यह मोटर के झटकेदार गति से बचने में मदद प्रदान करता है। जो रैंप सर्किट होता है मोटर को झटके जा जो गति होती है उससे बचने में मदद प्रदान करता है, और रेफरेंस वोल्टेज चेंज हो जाती है तब स्मूथ ऑपरेशन प्रदान करती है। जब ये रेफरेंस वोल्टेज चेंज हो जाएगी तो ये क्या करेगी, रैंप सर्किट उसको एक स्मूथ ऑपरेशन प्रदान कर देगी। कंपैरेटर क्या होता है कि द कंपैरेटर द फीडबैक वोल्टेज फ्रॉम द आउटपुट इज कंपेयर्ड विद द रेफरेंस वोल्टेज इन कंपैरेटर यूनिट। The output of comparator is called the error signal and error equal to होता है reference voltage minus feedback voltage। यानी कह रहा है कि जो comparator होती है comparator unit में reference voltage के साथ output की feedback voltage को compare कराते हैं, और comparator की output को error signal कहते हैं। तो error signal equal to हो जाता है हमारा reference voltage minus feedback voltage। यदि एरर सिग्नल पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से कोई भी हो सकता है, और ये डिपेंड करता है रेफरेंस वोल्टेज रेफरेंस और फीडबैक वोल्टेज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। ठीक है, एरर एम्पलीफायर क्या होता है? एरर एम्पलीफायर में क्या होता है कि इट एम्पलीफाइज द एरर सिग्नल टू ए लेवल विच कैन बी ईजिली सेंस्ड बाई द फेज शिफ्टिंग सर्किट। एरर एम्पलीफायर क्या करता है कि यह सिग्नल को एक लेवल तक एम्पलीफाई करता है जिसे फेज शिफ्ट सर्किट के द्वारा आसानी से सेंस किया जा सके। उसके बाद टैकोजनरेटर है। टैकोजनरेटर इट इज ए डिवाइस, यह एक डिवाइस होती है विच सेंस द मोटर स्पीड एंड जनरेट्स ए वोल्टेज विच इज प्रोपोर्शनल टू मोटर स्पीड। टैकोजनरेटर एक डिवाइस होती है जो मोटर स्पीड को सेंस करती है और वोल्टेज जनरेट करती है जो कि मोटर स्पीड के समानुपाती होता है। दिस वोल्टेज इज यूज एज ए फीडबैक सिग्नल, और इस वोल्टेज का प्रयोग हम फीडबैक सिग्नल के रूप में करते हैं। फेज कंट्रोल सर्किट क्या होती है कि दिस सर्किट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग फायरिंग पल्स विच आर फेड टू थायरिस्टर ब्रिज। यह सर्किट फायरिंग पल्स के जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है जो कि थायरिस्टर ब्रिज में फेड करते हैं, यानी कि थायरिस्टर ब्रिज को हम उसमें को देते हैं इस यूनिट के लिए फर्स्ट इनपुट कर है ना यहाँ पे कि द फर्स्ट इनपुट टू दिस यूनिट इज द आउटपुट ऑफ एरर एम्पलीफायर। इफ दिस इनपुट इज पॉजिटिव, एरर इज पॉजिटिव, फेज कंट्रोल सर्किट विल चेंज द फायरिंग एंगल ऑफ द थायरिस्टर ब्रिज इन सच ए वे दैट द आउटपुट पैरामीटर्स इज इंक्रीज टू मेक द एरर जीरो। ये कह रहा है कि इस यूनिट के लिए फर्स्ट इनपुट एरर एम्पलीफायर की आउटपुट होती है। यदि यह इनपुट पॉजिटिव है तो फेज कंट्रोल सर्किट थायरिस्टर ब्रिज के फायरिंग एंगल को बदल देगा ताकि एरर को जीरो करने के लिए आउटपुट पैरामीटर को बढ़ा दिया जाए। इसी तरह यदि एरर निगेटिव होता है तो सिंपली इफ द एरर सिग्नल इज निगेटिव द फायरिंग एंगल ऑफ द ब्रिज इज डिक्रीज। यदि एरर नेगेटिव होता है तो फायरिंग एंगल
डिक्रीज हो जाती है और एरर रिड्यूस द स्पीड सो एज गेट अगेन जीरो एरर, और वो डिक्रीज हो जाती है और जो स्पीड होती है हमारी वो फिर से अगेन जीरो प्राप्त हो जाती है, एरर जो होता है वो अगेन जीरो प्राप्त हो जाता है। द सेकेंड इसमें क्या होती है कि जो फेस कंट्रोल सर्किट होती है इसमें दो इनपुट होती है, एक तो हमने फर्स्ट इनपुट दिया जब वो एरर सिग्नल की जब वो पॉजिटिव होगा तब, और एक नेगेटिव होता है तब, और दूसरा जो इनपुट हम इसको देते हैं एसी सप्लाई की देते हैं वो थ्री फेज और सिंगल फेज, सिंगल फेज सप्लाई और थ्री फेज सप्लाई दोनों हो सकती है, दोनों हो सकती है ठीक है। द सेकेंड इनपुट टू द फेज कंट्रोल सर्किट इज वन फेज ऑफ थ्री फेज सप्लाई फीड द ब्रिज, ब्रिज को मतलब देते हैं द एसी इज रिक्वायर्ड सो एज सिंक्रोनाइज द फायरिंग एंगल, और यह इसलिए देते हैं ताकि वो एसी को सिग्नल की जो फायरिंग एंगल होती है उसको सिंक्रोनाइज कर सके विद द एसी मेंस, मतलब एसी मेंस के साथ। थायरिस्टर ब्रिज क्या होता है, जो थायरिस्टर ब्रिज होता है ये हम इसमें थायरिस्टर ब्रिज हम फुल वेव और हाफ वेव दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, और यह हमारा डिपेंड करता है मोटर के टाइप्स पे और मोटर को कंट्रोल करने वाले मेथड के ऊपर कि हम किस तरह का मेथड का यूज कर रहे हैं। तो ये हमने देखा यहाँ पर कि ये ब्लॉक डायग्राम है जो क्लोज लूप आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड फॉर कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग द स्पीड ऑफ डीसी मोटर की, ठीक है। ये आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड था ये। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा फील्ड कंट्रोल के रिलेटेड, तब तक के लिए थैंक यू।